नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। और ये किताब आपका बीपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए विशेषांक है। और इस किताब में हम लोग जो है, जो आपका 600 MCQ दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें आपके टोटल 30 सेट्स हैं, 1 सेट्स में आपके टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग ने लगभग सेट नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 14 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14 को। और ये किताब का फ्रंट कवर है, ठीक है, उसको देख लीजिए। और जिनके पास है बहुत बढ़िया, और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो कृपया करके यहाँ पर आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के पढ़ने के बाद मैं कुछ 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14। 1 मिनट और वेट कीजिएगा। तो सेट नंबर 14 आपके पास आ गया है, ठीक है। तो सेट नंबर 14 में क्वेश्चन को लगाने से पहले, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ऊपर में बॉक्स दिया हुआ है, एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। और प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिवस लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। तो ये आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस के से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था करंट अफेयर्स का, इसको पढ़ लिए। अब हम सेट नंबर 14 का क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, तो सेट 1 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, किसने डेनमार्क ओपन 2021 में बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन ए सोफिया केनिन, ऑप्शन बी विक्टोरिया अजारेंका, ऑप्शन सी नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन डी अकाने यामागुची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकाने यागा यामागुची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व शौचालय दिवस 2021 का विषय क्या है। ऑप्शन ए शौचालयों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी स्वच्छता का महत्व, ऑप्शन सी वैश्विक स्वच्छता संकट, ऑप्शन डी सामूहिक कार्रवाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शौचालयों का मूल्यांकन। तो विश्व शौचालय दिवस 2021 का विषय शौचालयों का मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी इंदौर,
ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोचीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 17 से लेके 19 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 17 से लेके 19 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी झांसी। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झांसी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय ने किस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राजस्थान उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की 2015 में 1.32 बिलियन जनसंख्या के अनुपात में 2020 में घटकर कितनी हो गई है। ऑप्शन ए 1.30 बिलियन, ऑप्शन बी 1.25 बिलियन, ऑप्शन सी 1.20 बिलियन, ऑप्शन डी 1.50 बिलियन। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.30 बिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में स्थित नेवाडो डेल रूइज ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म My11 सर्किल ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आवेश खान, ऑप्शन बी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी जहीर खान, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सिराज। क्वेश्चन नंबर 10 है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 कब वर्चुअली आयोजित हुआ। ऑप्शन ए 18 से 19 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 12 से 13 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 20 से 21 नवंबर 2021, ऑप्शन डी 15 से 16 नवंबर 2021। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 से लेके 19 नवंबर 2021। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5.8 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 6.1 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 7.5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 8.4 करोड़ डॉलर। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.1 करोड़ डॉलर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया।
यह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी चतरा। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी और 7 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में ये 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमपी कप पोली चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 कहां संपन्न हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मूला वन कार रेस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टापन, ऑप्शन डी पियरे गैसली। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सादत रहमान, ऑप्शन बी लीना दाबलुरी, ऑप्शन सी नेहा शर्मा, ऑप्शन डी विहान एवं नव अग्रवाल। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विहान एवं नव अग्रवाल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वें संस्करण दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पणजी, गोवा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक विज्ञान, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक कर, ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक लोकपाल, ऑप्शन डी एक राष्ट्र एक विचार। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक राष्ट्र एक लोकपाल, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल, ऑप्शन डी भारत बायोटेक। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण कोरिया के सियोल में देश की पहली क्रू पब्लिक एयर टैक्सी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया? ऑप्शन ए वोलोकॉप्टर, ऑप्शन बी फॉक्सॉन, ऑप्शन सी हुवेई, ऑप्शन डी हिटैची। तो 20 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए वोलोकॉप्टर। इस प्रकार हमारा जो सेट नंबर 14 का टोटल 20 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।